hello students hope you all are doing well so today in this video we will discuss some extract based question from the second lesson the sound of music which we have already discussed and so students today we will begin from third extract based question already we have discussed first and second तो आज स्टूडेंट्स हम थाट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे क्या है बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप अपी वॉज डिटर्म टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वॉन्टेड टू प्ले इट टू मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिसक्रेज हर बट परकेशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल ही बिगेन बाई ट्यूनिंग Two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body.

हु वॉज द फर्स्ट टू नोटिस एवलिन पोटेंशियल एंड वाट डिड ही डू देन इसका आंसर होगा रॉन फॉप्स व फर्स्ट टू नोटिस एवलिन पोटेंशियल यानी रॉन फॉप्स वो पहले व्यक्ति थे जो एवलिन के पोटेंशियल को उन्होंने देखा ही देन एनक्रेज हर टू प्ले ड्रम्स और यही वो इंसान हैं जिन्होंने एवलिन को एनकरेज किया था ड्रम्स को प्ले करने के लिए अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन एनेबल हर्सल टू प्ले द ड्रम एवलिन कैसे वो खुद को एनेबल करती है ड्रम को प्ले करने के लिए तो स्टूडेंट्स बी uh, का आंसर है एवलिन ट्यून टू द टू ड्रम्स वन लार्जर एंड द अदर स्मॉलर तो एवलिन यहाँ पे क्या करती है जो uh, दो ड्रम्स को ट्यून किया गया था एक जो लार्जर ड्रम्स था और जो दूसरा था अदर स्मॉलर वन सी ट्राई टू सेंस द वाइब्रेशं इन टू हर बॉडी तो यहाँ पे वो क्या कर रही है जो अलग अलग नोट्स के, के जो ड्रम्स जो ट्यून किए गए थे उस चीज़ों को वो अपने बॉडी uh, में वाइब्रेशन्स uh, के थ्रू वो फील करने की कोशिश कर रही है दैट्स वॉट इट मीन यर हेवलिन ट्यून टू द टू ड्रम्स वन लार्जर एंड अदर स्मॉलर एक बड़ा था और दूसरा छोटा था सी ट्राइड टू सेंस द वाइब्रेशन इन टू हर बॉडी और उसके वाइब्रेशन को वो अपने बॉडी में फील करने की कोशिश कर रही थी नाव यू विल सी द फोर्थ एक्स्ट्रैक्ट अभी हम चौथे एक्स्ट्रैक्ट को देखेंगे सी नेवर लुक बैक फ्राम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स सी टूट द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम सी विक्सटीन सी है्यूजिक हर लाइफ She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her three year course, she had captured most of the top awards. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and you इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्थ एक्सट्रैक्ट अभी हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है वट हिस्ट्री डिड एवलिन क्रिएट एवलिन ने कौन सा हिस्ट्री यानी कौन सा इतिहास रचा था और क्वेश्चन नंबर बी है व्हेन डिड एवलिन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ एवलिन ने कब ये डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपना लाइफ बनाएगी तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर ए व्हाट हिस्ट्री डिड एवलिन क्रिएट एवलिन ने कौन सा इतिहास बनाया था तो इसका आंसर होगा एवलिन क्रिएटेड हिस्ट्री बाई स्कोरिंग द हाइएस्ट एवर मार्क्स इन द अकेडमी यानी एवलिन ने हाइएस्ट मार्क्स स्कोर करके उस अकेडमी में हाइएस्ट मार्क्स स्कोर किया और उसने इतिहास रच दिया सेकेंड क्वेश्चन था वेन डिड एवलिन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ एवलिन ने कब डिसाइड किया कि म्यूजिक को अपना लाइफ बनाएगी तो बी का आंसर है वेन एवलिन वॉज सिक्सटीन जब एवलिन सिक्सटीन ईयर्स की थी सी वेन टू यू के विथ एन ऑर्केस्ट्रा तो यू यू के में गई थी एक ऑर्केस्ट्रा के साथ एंड दैट वॉज द टाइम वेन सी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ और ये वही वक्त है जब एवलिन ने डिसाइड किया कि मैं म्यूजिक को जो है अपना लाइफ बनाऊंगी सो नाउ वी विल सी फिफ्थ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पांचवा एक्सट्रैक्ट बेस्ड देखेंगे एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर वैन सी द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर फिंगर टिप्स by leaning against the drum she can feel the resonance flowing into her body on a wooden platform she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs and students yahan pe do questions diye hain दिए गए हैं इसके नीचे क्वेश्चन नंबर ए है how did Evelyn hear music? Evelyn कैसे म्यूजिक को सुनती थी और क्वेश्चन नंबर बी है हाउ कैन एवलिन सेंस द साउंड ऑफ द जायलोफोन यानी एवलिन जो है वो जयलोफोन का साउंड को कैसे सेंस कर सकती थी तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देखेंगे हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक तो इसका आंसर होगा एवलिन हर द म्यूजिक एज सी फेल्ट इट बींग पोर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ हर बॉडी एवलिन हर्ड द म्यूजिक कैसे वो म्यूजिक को सुनती थी एज सी फेल्ट इट बींग पोड उसको ऐसा फील होता था कि म्यूजिक जो है उसके बॉडी में हर पार्ट से पोर हो रहा है अंदर आ रहा है नॉट थ्रू ए सिंगल बॉडी पार्ट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी एवरी पार्ट ऑफ आर बॉडी उसके बॉडी के हर अंग से चिक बॉन्स से फिंगर टिप से हेयर से मीन्स एवरी बॉडी पार्ट से वो म्यूजिक को फील कर सकती थी सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन एवलिन सेंस द साउंड ऑफ द जाइलोफोन एवलिन जाइलोफोन का जो साउंड है वो कैसे सेंस कर सकती थी तो इसका आंसर है एवलिन कुड सेंस द साउंड ऑफ द जाइलोफोन पासिंग अप द स्टिक इंटू हर फिंगर टिप्स यानी एवलिन जो है उसको जयलोफोन का जो साउंड है कैसे सेंस करती थी पासिंग अप द स्टिक्स यानी स्टिक्स के द्वारा साउंड जो है पास होता था उसके फिंगर टिप्स में आते थे और फिर उसके बॉडी में आते थे तो इस तरीके से वो जायलोफोन का जो म्यूजिक है आ, उसको फील करती थी नाव अभी हम लास्ट एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स उसको हम देखेंगे शेष मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स god may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary what we hear she feels far more deeply than any of us that is why she expresses music so beautifully evelyn confesses that she is something of a workaholic i have just got to work often harder than classical musicians but the rewards are enormous Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and Richin of the Beethoven Fund for Deaf Children says. She is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go.. Abhi वट डिड एवलिन कन्फर्स एवलिन ने क्या कन्फर्स किया और क्वेश्चन नंबर बी में है हाउ इज एवलिन एन इंस्परेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन एवलिन कैसे डेफ लोगों के लिए एक इंस्परेशन है कैसे है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे व्हाट डिड एवलिन कन्फर्स एवलिन क्या कन्फर्स करती है तो इसका आंसर है एवलिन कन्फर्स दैट सी वॉज काइंड ऑफ वर्क होलिक एवलिन कन्फर्स करती है कि वो किस तरह की इंसान है काइंड ऑफ ए वर्क एंड सी हैज़ जस्ट गॉट टू वर्क हार्डर देन अदर म्यूजिशियंस यानी कि वो हमेशा उसको काम करना पसंद है वो बिना काम किए बिना जो होता है ना बैठना उसके बारे में सोच ही नहीं सकती है एंड सी हैज़ जस्ट गॉट टू वर्क हार्डर देन अदर म्यूजिशियंस और अभी तो उसने स्टार्ट किया अभी उसको और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और सभी म्यूजिशिय उसको आगे आना है मीन्स सी यूज़ टू लव वर्किंग उसको काम करना बिल्कुल पसंद पसंद था और वो बिना काम किए बिना खुद को वो इमेजिन नहीं कर सकती है सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज एवलिन एन इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रेन एवलिन जो है कैसे डेफ लोगों के लिए कैसे इंस्पिरेशन है तो आंसर है एवलिन इज एन इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रेन बिकॉज सी हर सेल्फ बींग डेफ हैज अचीव ग्रेटनेस तो वह एक इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि सी हर्सेल्फ बींग डेफ वो खुद भी एक डेफ है एंड अचीव द ग्रेटनेस और वो uh, उस ग्रेटनेस को उस मंजिल को वो प्राप्त किए इसी वो uh, जितने भी डेफ लोग हैं uh, उनके लिए वो एक रोल uh, मॉडल है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो लोग भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को फर्दर वो अचीव कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स वी विल सी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर तो स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है वाई वॉज एवलिन नर्वस वाइल गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक यानी एवलिन क्यों नर्वस होती है जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही थी क्यों वो नर्वस हो जाती है आंसर है एवलिन वॉज नर्वस वाइल गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एज इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस एकेडमी तो एवलिन नर्वस इसलिए हो जाती है क्योंकि वो उसका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका पहला दिन था मोर ओवर शी वॉज जस्ट ए सेवनटीन ईयर ओल्ड टीन एजर एट दैट टाइम एंड फेल्ड नर्वस और प्लस एक और रीज़न था सी वॉज जस्ट सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड अभी अभी वो बस सेवनटीन ईयर्स की ही थी वो जस्ट वो उसका टीन एज चल रहा था और वो काफ़ी यंग थी और यही रीज़न है कि वो uh, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी नाउ वी विल मूव टुवॉर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन एन आंसर तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन बिकम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स हाउ डिड एवलिन बिकम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स एवलिन कैसे अलग अलग नोट्स को सेंस करने लगती है तो इसका आंसर है एवलिन बिकेम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स बाय मेकिंग हर बॉडी एंड माइंड रिसेप्टिव टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवलिन का जो बॉडी और माइंड जो था वो रिसेप्टिव हो गया था म्यूज़िक uh, और वाइब्रेशंस के साउंड के तरफ़ दैट्स व्हाट इट मीन्स हियर एवलिन बिकेम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स एवलिन जो है अलग अलग नोट्स को सेंस कर रही थी बाई मेकिंग हर बॉडी एंड माइंड रिसप्टि अपने बॉडी और माइंड को रिसप्टिव बना ली थी रिसेप्टिव यानी कि रिसेप्टिव मतलब होता है एकदम सुनना ध्यान से लिसन करना टू साउंडस एंड वाइब्रेशन तो वो किसके प्रति रिसप्टिव हो गया था साउंडस और वाइब्रेशन के प्रति रिसप्टिव हो गया था फर्दर है सी कुछ सेंस साउंड ऑफ म्यूजिक फ्लोइंग इन टू हर बॉडी वो साउंड uh, को वो फील कर सकती थी सेंस कर सकती थी कि कैसे साउंड जो है उसके बॉडी में फ्लो हो रहा है मूव हो रहा है सी यूज टू स्टैंड बेयर फुट ऑन एडन प्लेटफॉर्म सो दैट सी कुड सेंस द वाइब्रेशन इजली और वो फर्दर ये भी बता रही है कि सी यूज़ टू स्टैंड वो जब भी कोई स्टेज होता था या मंच होता था तो उस पर वो बेयर फुट यानी खाली पाँव वो जाती थी उडन प्लेटफॉर्म पर खाली पैर रहती थी बेर फुट रहती थी क्यों सो दैट सी कुड सेंस द वाइब्रेशन इजली ताकि जो वाइब्रेशन हैं उसके बॉडी में काफ़ी ईजिली पास हो सके इसके लिए वो बेयर फुट जाती थी So students uh, i will stop till here in my next video we will discuss the further question and answers so that's all for today have a nice day thank you